बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है कोई बात नहीं ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की वो इस चैनल पर मैं डालता रूँगा शॉर्ट क्लिप्स में ताकि आप शॉर्ट टाइम पर बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको नाउ लेट स्टार्ट इसमें भी आपने क्वालिटीज़ वाली चीज़ की वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने अभी रिसेंटली एक बुक पढ़ा था रिलेशनशिप के बारे में उसमें वो बताया गया था ऑथर बता रहे थे ना आजकल लोग कई बार अट्रैक्ट करते तो ये सोचते हैं उसके पास पैसा कितना है वो कितना हैंसम है मतलब सुपरफिशियल चीज़ों को लेके कई बार डेट करते हैं हम डेट करने जाते हैं तो क्या देखते हैं कैसा दिख रहा है कितना कमाता है वो सब चीज़ें बोले ठीक है बट आप ये देखना चालू करो कि वो इंसान कैसा है अगर वो हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वो वेटर से कैसे बात करता है वेरी oh, ट्रू या फिर अगर आप अगर उसके सामने लाइफ में प्रॉब्लम आई है तो वो प्रॉब्लम्स को फेस कैसे करता है आपको वो ट्रीट कैसे करता है आपको ट्रीट कैसे करता है अगर झगड़ा होता है तो वो बात कैसे करता है yes. ये सब चीज़ें जिंदगी भर होने वाली है पैसा आपका एक टाइम रहेगा वो एक टाइम पर उसका इन्जॉयमेंट खत्म हो जाएगा बट कैसे आप रिलेशनशिप मेंटेन करते हो कितनी आप वैल्यू करते हो कितना आप लॉयल हो एक उसने एक और इंटरेस्टिंग चीज बोला था कि आप देखो कि वो फैमिल इंसान कितना लॉयल है दूसरों के लिए मतलब अपने घर वालों के लिए अपने फ्रेंड्स के लिए ये भी एक इंडिकेशन है ऐसा है नहीं कि आप उसको पत्थर की लकीर मान लो लेकिन आप देख सकते हो कि हाँ वो कितना उसके लॉयल्टी जज करो वो जो डेप्थ वाली चीज़ें हैं वो, जब वो आप जब जज करके ऐसे मतलब इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं मेरे हिसाब से कि ऐसी क्वालिटीज़ को आ, ए,

खत्म हो जाते हैं नॉवल्टी नहीं है और हम लोग नॉवल्टी के पीछे भाग रहे हैं hmm. लेकिन अपने घर की मुरी को दाल बराबर हमने नहीं समझना है राइट एग्जैक्टली दैट इज द एनर्जी विच इज सपोर्टिंग यू दैट सोल कंपेनियन बोल सोल मेड एक वर्ड हो गया है हाँ. वो वो यूज करना आपका कंपेनियन फॉर लाइफ एटलीस्ट इंटेंशन तो वही होती है ना कि आगे जाके लाइफ की सिचुएशन कहा ले जाए वो तो पता नहीं लेकिन इंटेंशन तो रहेगी ना देर इज रिस्पेक्ट इन कपल्स रिस्पेक्ट भूल जाते हैं और आज से आई रियली रिक्वेस्ट जो भी ऑडियंस हैं वो रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं रिश्तों पे जोक्स बनाना बंद कर दो अगर बीवी के मायके जाने के जोक्स बनाना बंद कर दो हस्बैंड से हस्बैंड गए तो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गए ऐसे जोक्स बोलना बंद कर दो ये हम पे इफेक्ट करते हैं हमारे शब्द हैं ये अफेक्ट करते हैं नहीं तो आप देखो जब कपल्स जाते हैं मेन अलग जाते जाके बैठते हैं पता नहीं क्या बातें करते हैं विमेन अलग बैठती हैं वो हस्बैंड्स को बातें कर रही होती हैं Work. आपका सबसे क्लोजेस्ट रिश्ता जो है वो आपके स्पाउस हैं पहले ही होती होती है है मदर फिर आपकी स्पाउस और ये दो एनर्जीज़ के लिए रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है और जिनको मटेरियल बेनिफिट भी चाहिए ये आपकी लक्ष्मी होती है रिलीजन में भी मतलब हमारे भी रिलीजन में इस्लाम या फर्स्ट रिलेशनशिप मतलब जो दुनिया में बना है ना एडम एंड ईव बोलो या आदम हाँ, और हवा बोलो हाँ,

एक दूसरे के साथ अच्छे सिंक मारने के बजाय बाकी लोगों के so साथ मैंने कहा मैंने ऐसे लोगों को देखा जो अपने हनीमून पे फ्रेंड्स को लेके गए मैं जज नहीं कर रही हूँ बट मतलब कि आजकल जो मैं देख रही हूँ well, तो वो दोस्त नहीं हैं एक दूसरे के दे स्पेंडिंग टाइम विदी ज्यादा बैठते भी बात क्या होती है बच्चों की बातें होती हैं सोसाइटी की बातें होती हैं लेकिन आपको महसूस क्या हो रहा है आप अपने पार्टनर से आपकी कम्युनिकेशन ओपन है कि नहीं आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते आप मुझे बता सकते हो कि यू आर अपसेट विद योर पार्टनर लेकिन आप अपने पार्टनर को नहीं बोल सकते कि आई एम अपसेट विद यू यही कम्युनिकेशन मैं खोलती हूँ और रिलेशनशिप सुधर जाता है सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अंडरस्टैंड कर जब मैं रिलेशनशिप सिखाती हूँ जीशान लोग क्या कहते हैं गुड लुकिंग आपने कहा प्लीजिंग टू द आईज फिजिकली अच्छा होना चाहिए हाँ और मेंटली इमोशनली कंपैटिबल हो मैं उनसे सवाल पूछती हूँ कि आप फिजिकली आजीवन सेम रहने वाले हो कभी नहीं आप बदलते जाओगे आपकी लाइक्स डिस आजीवन सेम रहती हैं नहीं आप सारा लाइफ में आप दाल भात खा सकते हो नहीं उसमें भी वो भी आपकी लाइक्स बदलती रहेंगी तो एक पार्टनर के साथ आप लाइफ लॉन्ग कैसे रहोगे वो ट्रेनिंग होती है कैसे होती है जो सेमनेस है हर इंसान में आप में आपके स्पाउस में मेरे में मेरे स्पाउस में जो अनचेंजिंग एस्पेक्ट है वो है स्पिरिट वो चेंज नहीं होता वो एक ईश्वर का अंश है खुदा की रहमत है वो स्पिरिचुअल लेवल पे आपको अपने पार्टनर से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो कनेक्शन होगा ना आपका तो लाइफ में कितने भी उतार चढ़ाव हुआ रिश्ता नहीं टूटेगा और वही कनेक्शन मैं ढूंढ रही थी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे लाइफ पार्टनर वो होंगे जो वो हैं मेरे को बस वो कनेक्शन फील करना था स्पिरिचुअल कनेक्शन जो मेरे प्रीवियस रिलेशनशिप में नहीं था द बॉन्डिंग एट द स्पिरिट लेवल एंड आई वुड हैव नेवर थॉट इट वुड बी दिस पर्सन हम तो अलग दुनियाओं से आते कैसे ही इंसान आए लाइफ में so, वो सो वो वैल्यूज और लोग सारी क्वालिटीज तो लिख लिया आपने वेरी hmm. इंटरेस्टिंग इन में से क्या क्वालिटीज आप में हैं right. क्योंकि आप वही अट्रैक्ट करोगे जो आप हो राइट right. तो पहले स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्पिरिचुअल क्वेस्ट वो मुझ में जागी राइट right. मुझे जानना है डीपर जाना है मुझे समझना है और इतना मजा आता है जी ज़िशान जब आप लव ढूंढते नहीं हो आप लव बन जाते हो राइट आई यूज्ड टू से आई एम लव आई एम नॉट लुकिंग फॉर लव आई एम लव मुझे ऐसा महसूस होता था राइट right. कई बार नहीं ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है आजकल रिलेशनशिप हम लोग जा रहे खैर बट इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जैसे हमने कहा ना आपने बोला बहुत सारी स्किल्स है जो बचपन में ही सीखनी चाहिए उसमें से एक स्किल रिलेशनशिप तो होनी चाहिए चीज़ है जो आपको हैपीनेस दी है तो वही रिलेशनशिप पर एक आया था मैंने एक वीडियो देखा था उन्होंने बोला था कि अगर आपको आपको कैसा हम लोग कंडीशन रखते ना हमें ऐसा इंसान ऐसा इंसान चाहिए तो उसने बोला लिस्ट बनाओ सारी चीजें लिखो जो आपको सामने वाले इंसान में चाहिए And start becoming that person. Yes, starting <laughs> और, point है क्योंकि आप वही attract करोगे जो आप हो Right. तो, वो अपने आप ऑटोमेटिकली वैसे लोग attract होने लग जाते हैं और फिर मिल जाएगा आपको सही 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 समय पे hmm. और आप बहुत एक कंप्लीशन की लेवल से आप आ, उसको क्रिएट करते हो क्योंकि जितने आप वो स्किल्स अपने में डेवलप करते हो ना उतने कंप्लीट बनते जाते हो और आप भाग नहीं रहे किसी चीज़ के पीछे ये डेटिंग साइट पे ये डेटिंग साइट पे नहीं कोई जजमेंट नहीं है लेकिन जब तक क्लैरिटी नहीं धक्के खाओगे फिर पांच बार दिल टूटेगा नुकसान आप ही का हो रहा है तो सही से उसको क्रिएट करो सही से मैनिफेस्ट करो नहीं तो कमी किस चीज़ की है बट वर्क ऑन योर सेल्फ हर चीज का राउंड अबाउट थिंग इज वर्क ऑन योर सेल्फ सुपर पावर वेरी गुड सुपर पावर आई थिंक हमने ना इस पॉडकास्ट में काफी अलग अलग एस्पेक्ट से बात कर लिया और एट द एंड वही कोर चीजें जो हमने स्टार्ट में बात करी थी वही सिर्फ सब आपसे ही स्टार्ट हो रहा है काइंड kind ऑफ of.

वो प्रैक्टिस करेंगे तो एक्सपीरियंस समझने की बात ही नहीं है एक्सपीरियंस की बात है अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार जाके देखो डिटेल में चीजों को समझो तब तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से आप अपनी जिंदगी में चीजें अप्लाई कर पाओगे थैंक सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल